हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवल फ्रीक वीडियोस। हम लोग आ गए हैं अपना नया वीडियो लेके, और आज का जो वीडियो है इसको बनाने के लिए हमें अलग से प्लान नहीं करना पड़ा। एनीवे हमें इस जगह पे आना था। सो ये है कॉस्टको सुपरमार्केट, जो अमेरिका में एक बहुत पॉपुलर सुपरमार्केट चेन है। जैसे हमने टारगेट का वीडियो आपको दिखाया था, ये उसी टाइप का एक सुपरमार्केट है। सो जो बड़े सुपरमार्केट है उनमें से कॉस्टको, टारगेट, वॉलमार्ट सबसे पॉपुलर हैं। आज हम लोग आए हैं कॉस्टको में, और कॉस्टको में जाके देखेंगे कि वहाँ का कैसा सेटअप है, क्या क्या मिलता है। हम लोग पहले एक बार आए हैं लेकिन बहुत जल्दी में थे उस दिन। आज हम लोग आराम से पूरे शॉप का टूर लेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या मिलता है। सो यहाँ पर एक मेंबरशिप कार्ड होता है, उस मेंबरशिप कार्ड के साथ ही आप कॉस्टको के अंदर जा सकते हैं। ये यहाँ का यूनिक है, जो दूसरे सुपरमार्केट के लिए नहीं चाहिए होता है। सो आज हम लोग वो कार्ड लेके आए हैं। कार्ड मैंने पिछले दिन बना लिया था। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। अभी हमें चेयर लेना है हमारे टेरेस में रखने के लिए, या जब कहीं बाहर जाते हैं तो कार में ताकि कैरी कर सकें, तो इसके लिए चेयर देख रहे हैं। पोर्टेबल चेयर जिसको गाड़ी में आसानी से रख सकें और कैरी कर सकें। ये दो किस्म के चेयर तो यहाँ दिख रहा है, और भी वैरायटी होगा, देखते हैं कौन सा लेते हैं। लेकिन ये वाला चेयर अच्छा है क्योंकि इसमें जो है बॉडी प्लास्टिक का है, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये हम बाहर भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। ये है फोल्डिंग टेबल, ये देखिए इसका फोटो लगा हुआ है बाहर, इसको खोलने से ऐसा बन जाएगा। तो ऐसे चीज़ें यहाँ पर बहुत मिलता है जो आप खुद ही ले जाके घर में कैरी कर सकते हैं और उसको आसानी से असेंबल करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा चेयर है, ये पूरा स्टॉक रखा हुआ है ऊपर तक। यहाँ पर किसी भी चीज़ का बहुत सारा स्टॉक होता है, ये खाली कॉस्टको नहीं, किसी भी सुपरमार्केट पे यहाँ पर होता है। सो एक ही चीज़ आपको बहुत सारा मिल जाएगा, उसका वैरायटी भी मिलेगा। और ये टेबल है, ये देखिए इसका अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर कैसा है। ये ऐसे करके, ये असेंबल वाला नहीं है, ये तो असेंबल किया हुआ है। बहुत सारा असेंबल करने वाला भी मिलता है जिसको असेंबल करना पड़ता है। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है, देखते हैं ये भी ले सकते हैं। चेयर तो ले ही रहे हैं। अभी हम लोग आ गए हैं गारमेंट सेक्शन में। जैसे अभी समर आ रहा है तो मोस्टली इनके पास समर कलेक्शन है, डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्ट्स, टी शर्ट, ये सब कैजुअल चीज़ें हैं। सर्दियों के जो चीज़ है वो इन्होंने अभी रिप्लेस कर दिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं कॉस्टको में ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल काइंड ऑफ सामान मिलता है। ये है गार्डनिंग रिलेटेड जो पॉट्स हैं, और इनको ले जाके लगा सकते हैं। सो इस टाइप के चीज़ें यहाँ पर बहुत वैरायटी के मिलते हैं। गार्डन चेयर्स भी बहुत मिलता है। और अभी हम लोग आ गए हैं वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्शन जो कॉस्टको में है, वो है फिश और मीट सेक्शन। जो आप देख रहे हैं सामने, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लॉबस्टर, प्रॉन्स हैं, और इसका बहुत सारा वैरायटी इनके पास मिलता है। सो क्रैब्स, प्रॉन्स, लॉबस्टर, चिकन, मटन, फिश के डिफरेंट वैरायटी, ये सब कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सारा चिकन है, बट चिकन का ही अलग अलग टाइप का है। किसी में ब्रेस्ट है, किसी में होल पीस है, किसी में लेग पीस है। सो बहुत सारा चॉइस है यहाँ पर, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। एंड सिमिलर चॉइसेस आपको जैसे यहाँ मटन में भी मिलेगा, मटन के भी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस है, या तो रिब्स है, किसी में कोई और टाइप का कॉम्बिनेशन है। सो इस टाइप से जो है यहाँ पर रखा हुआ है। ये फिर फिश है, फिश के भी यहाँ पर बहुत सारा वैरायटी मिलता है। सैल्मन, पॉम्फ्रेट, तिलापिया फिश जिसको कहते हैं, वो भी है। अब हम आ गए हैं बेकरी सेक्शन में। ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्शन है। यहाँ पर बहुत सारे किस्म के केक, पेस्ट्रीज, ब्रेड के प्रोडक्ट्स जो हैं, कुकीज़, ये सब ऑलमोस्ट अनलिमिटेड क्वांटिटी है। आप जितना भी देखते रहेंगे उतना शायद एक एक सेक्शन पे ये वीडियो बन सकता है, अगर हम लोग उस हिसाब से बनाएं।
तो जैसे ये देखिए बेक्ड आइटम्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ बेक्ड आइटम। ये इसको इसको बकलावा कहते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है, एक बार हमने लिया था। और ये भी डिफरेंट आइटम्स हैं जिसमें जो रोल्स हैं, रोल के अंदर क्रीम है इस टाइप का। सो ऑल बेकरी आइटम इन वन सेक्शन। ये है कुछ किड्स सेक्शन, यहाँ पर टॉयज और बुक्स है। जैसे यहाँ पर कुछ अच्छे बुक्स मुझे यहाँ पर दिखा तो मैं देख रहा था यहाँ पर, बट मोस्टली थोड़े से जो बच्चे यंग हैं उनके लिए, यंग किड्स के लिए बुक्स वैसे ज़्यादा है। लेकिन हाँ, कुछ जैसे ये मैं एक बुक देख रहा था जिस पे नासा का डिफरेंट जो एक्सपीडिशंस है उस पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। और भी यहाँ पर टॉयज़ है। तो जैसे मैं कह रहा था कि एक एक सेक्शन ही बहुत बड़ा है। ये सीरियल्स का सेक्शन है। सो जैसे आप देख सकते हैं ओट्स हैं, सीरियल्स डिफरेंट रखा हुआ है, पीछे मिल्क है। सो ऐसे करके बहुत सारा है सेक्शंस अलग अलग। और जैसे एक एक एक्सप्लोर करेंगे तो एक दिन निकल जाएगा पूरा। सो अब हम बाहर आ गए हैं और अब हम लौटने की तैयारी कर रहे हैं। सारा सामान लेके, ट्रॉली लेके कॉस्को के बाहर आ चुके हैं अभी हम लोग। सो अब जा रहे हैं धीरे धीरे, सामान गाड़ी में लोड करेंगे और फिर घर में चलेंगे। ये ख़त्म हो गया कॉस्को का शॉपिंग आज के लिए। ये हम लोगों का ट्रॉली है और साथ में हमने दो चेयर लिया है। अब हम सारा सामान जो है एक एक करके गाड़ी में लोड करेंगे और घर जाके आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या सामान लिया है एग्जैक्टली, और हमारा बिल कितने का आया है, उस पर थोड़ा डिस्कशन हम घर जाके करेंगे। सो, अब हम लोग सारा सामान लेके घर में आ गए हैं और अब तक उसको अरेंज कर रहे थे सारे सामान को, क्योंकि नीचे से ऊपर उठाना होता है, फिर आके एक एक करके हमने अरेंज करके रखा है। थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं कि हम लोगों ने मोर और लेस क्या क्या सामान लिया है और उसके बाद हम इसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा मोर और लेस आज का सारा सामान है, एक्सेप्ट कुछ फ्रोजन आइटम है जो हमने फ्रीजर में डाल दिया है। बाकी सामान मोस्टली यहाँ पर है। जैसे एक पर्टिकुलर काइंड का ऑरेंज यहाँ मिलता है जो काफ़ी मीठा होता है, वो हमने लिया है। रेगुलर आइटम जैसे मिल्क हो गया, सो ये एक मिल्क मैंने बाहर निकाल के रखा है। और एक है पूरा पैकेट जिसमें ऐसे तीन मिल्क का बॉटल होता है। सो सब चीज़ यहाँ पर बल्क में मिलता है कॉस्टको में, और बल्क में ही लोग खरीदते हैं यहाँ से। सो यहाँ का पैकेजिंग भी उस तरह का होता है कि मिनिमम आपको तीन मिल्क लेना पड़ेगा। ये एक टिश्यू रोल हमने लिया है, ये भी काफ़ी बड़ा पैक है। ये एक हनी है, ये सबसे छोटा यही हमें मिला। सो आप सबसे छोटे का साइज देखिए, ये लगभग 1 किलो का होगा। ये एक प्लेन क्रॉइजेंट है, इसमें भी लगता है कि 12 क्रॉइजेंट है, तो और ये सबसे स्मॉल साइज है वहाँ का। बाकी और कुछ आइटम हमने लिया है, जैसे कुछ डोनट्स है, कुछ कंडेंस्ड मिल्क है, और ये एक सैलमॉन है। ऐसा हमने और भी दो लिया है, एक मैंने जस्ट बाहर निकाल के आपको दिखाने के लिए रखा है। ये सैलमॉन का फ्रीले है, ये कॉस्को का बहुत ही टेस्टी है। सो कोई अगर कॉस्को जा रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सैलमॉन ज़रूर ट्राई करें वहाँ का, अगर आप फिश खाते हैं तो। ये एक फ्रोजन आइटम है जो रेडी टू हीट है, इसको फ्राई करके ले सकते हैं। हमें मैंगो मिल गया, मैंगो हमने लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, देखते हैं कैसा उसका टेस्ट है। हमें पता नहीं होगा कि क्या क्वालिटी होगा मैंगो का, बट लेट्स ट्राई। ये मैंगो जूस है, मैंगो नेक्टर है। ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चीज़ केक है जो कॉस्टको में काफ़ी अच्छा मिलता है, तो वो हमने एक लिया है। और अगेन कुछ बेकरी आइटम्स हैं। सो ओवरऑल हमने ये लिया है। और आज हमने दो अलग आइटम भी लिया है, जो दो चेयर है, ये बाहर बैठने के लिए, क्योंकि अब सामान आ चुका है सो बाहर बैठ सकते हैं, इसके लिए हमने दो चेयर लिया है।
कॉस्टको में, क्योंकि हर तरह का सामान मिलता है आपको, फर्नीचर से लेके इलेक्ट्रॉनिक से लेके फूड आइटम तो है ही है, ड्रेस, और हमने कुछ ड्रेस भी लिया है जो कि टी शर्ट्स मेनली सामान में पहनने के लिए, टी शर्ट शॉर्ट्स ये सब भी हमने लिया है। सो ये सब कुछ जो हमने लिया है उसका कॉस्ट हमें लगभग $500 का पड़ा। कॉस्को से अगर आप बल्क में सामान ले रहे हैं तो हाँ बेनिफिट होता है कुछ। ये हमारा फुल बिल है जो एक के बाद एक आइटम इसमें लिस्ट किया हुआ है, और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि कॉस्टको में एक मेंबरशिप कार्ड बनाना होता है, सो ये मेंबरशिप कार्ड है और इसके दो वर्शन आते हैं, एक $60 का और एक $120 का। सो दिस इज द एग्जीक्यूटिव मेंबर कार्ड जो $120 का है, और इसमें एक्स्ट्रा सेविंग्स होता है। और वैसे ये कार्ड तो मैंडेटरी है, इसमें कुछ पॉइंट्स के थ्रू सेविंग होता है, वो हमें एंड ऑफ द ईयर में पता चलेगा और उस हिसाब से वो हमें कैलकुलेट करके बता देंगे कि आपका पूरे साल में कितने का सेविंग हुआ है। सो ये कार्ड जो है हर साल हम लोग को रिन्यू करना पड़ेगा, चाहे ये वाला वर्शन या फिर हम $60 वाला वर्शन भी ले सकते हैं। सो गाइस बहुत थक गए हैं इतना सारा शॉपिंग करके, थोड़ा बहुत आज जो है एक्सर्शन हो गया है इतना सारा घूमना, क्योंकि कॉस्टको बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पर इधर से उधर जाना, सारा सामान लेना, सामान को नीचे से ऊपर उठाना, अब थोड़ा बहुत अरेंज करके रखना है। सो गाइस आज का वीडियो यहीं तक, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूज़फुल लगा होगा तो वो हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड हैव अ नाइस वीकेंड।